देखता हूँ क्या करते हो। अरे इसने पहले ब्रेक मारा इसलिए अपन की गाड़ी ठुक गई ना। पुलिस से तमीज से बात कर। अरे मैं सेठ को क्या जवाब दूंगा? जाम हो रहा है, चल गाड़ी हटा। नहीं हटाऊंगा, पैसा चाहिए अभी। अरे क्या हो रहा है भाई, दूसरे वो गाय को अटका के रखे तुम लोग। ए गाड़ी मेरी ठुकी है, अपना काम कर, चल। ए पैसा निकाल। ठीक है मैं पैसे दे रहा हूँ। ए चल पैसे दे रहा है, चल गाड़ी निकाल, चल चल आजा। ए चलो रे चलो, चल साइड में खड़े होकर बात करते। अरे मां चल चल, बाइक कहाँ चली गई? अरे सेठ मैंने बोला था ना, दो दिन के अंदर पूरा पैसा क्लियर कर दूंगा। अरे बाबा कितना फोन करेगा, इसलिए तूने बाइक उठा लिया? मैं पैसा लेकर आया हूँ, कहाँ है बाइक? ए जगन पैसा निकाल, लो सेठ। ए बाटला। हाँ सेठ। स्केच के फोन कर। फोन नहीं उठा रहा है। साइलेंसर। हाँ सेठ। दो कप चाय बोल। अब भी लाता हूँ सेठ। सेठ मैं यहाँ चाय पीने नहीं आया हूँ, मुझे मेरी बाइक चाहिए। अरे वो देखो सेठ, स्केच ऑटो में आया। बाइक कहाँ है? सीन ऐसा है सेठ, चार रास्ते पे एक्सीडेंट की वजह से मजमा लगा हुआ था। मैटर गया ये देखने को गया, उत्ते पे कोई बाइक लेके गया। क्या कहा तूने, मेरी बाइक चोरी हो गई? ए मुझे लल्लू समझाया क्या तूने? ए वॉल्यूम। मेरी बाइक उठाकर तो मुझे ही चुप रहने के लिए बोल रहा है? मेरी बात सुनो सेठ, ऐसे चोर लोगों को रखोगे तो ऐसा ही होगा। ठीक है मेरी बाइक मुझे वापस दे दो, मैं यहाँ झगड़ा करने नहीं बाइक लेने आया हूँ। बाइक नहीं मिली तो अच्छा नहीं होगा। तू? ए, जल्दी रवि को फोन लगा। एक काम कर, शेखर को फोन लगा, उसको बोल जल्दी आ, दो ट्रक भरकर छोकरे लाने के लिए बोल, और बोलना सामान के साथ आए। सेठ आज तो फैसला होकर रहेगा। मैं इधर ही बैठा हूँ, बुला जिसको बुला रहा। सेठ भाई लोग ने पटेल लोग को बुलाया है। जा तू ही। तू भी जा। मामला कैसे सुलटा है? मुझे 2,00,000 रुपए दे दो, मैं चला जाऊंगा। मोन भरेगा छे तो गाड़ी उठाने के बाद सीधा गैराज में आने का, बिना वजह इधर उधर काहे को फोकर दलाली करने का। ताना घसी मत करो सेठ। अरे ताहोले की करबो, 1 मिनट में 2,00,000 का चुना लगा, हम बैठे बैठे कीर्तन गाएगा। 1 टकार फायदा 10 टकार नुकसान। सटक गई है क्या, हंस क्यों रहा है? बाइक चोरी होने के बाद छाना गैरेज में आया। क्या बात कर रहा है? आज चांद निकलने से पहले बाइक और नोट दोनों आ जाएंगे। रवि स्केच में दम नहीं है, बाइक भी चुराई और मैंने पैसे भी वसूले, क्या दिमाग है तेरा। तूने स्केच को जीतते हुए देखा है, हारते हुए नहीं, लेकिन मैंने देखा है। मोबाइल में एक फोटो ले लेता, आपन भी देख लेता। फोटो का वो लाइव टेलीकास्ट ही देखना। यहाँ कैसे टपक पड़ा? अबे मेरे अंदर भूत की आत्मा है, जहाँ चाहे उधर पहुंच जाती है। Thank you.
स्केच दूसरों की फोटो बनाता है, लेकिन स्केच की फोटो बनाना इम्पॉसिबल है। खुद के प्लेट में जो खाना आता है उसको मोहब्बत से खा, दूसरे की जूठन खाने से मुंह में छाले पड़ जाते हैं। ये टेलीकास्ट रिपीट नहीं होता है। चलता हूं। बहुत बड़े बड़े बोल बच्चन कर रहे थे सेठ। तुम्हारे गुस्से को ठंडा करने के लिए ये गुलाबी गुलाबी नोट फाटी है ये चीज। तो इतने ताने क्यों दे रहे थे? चल तेरा मूड बनाता हो गये क्या रे स्केच? माल्टा प्योर तो कुछ भी हो सेठ, तेरे को ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। कोई भी इंसान हर बार जीत नहीं सकता। दुनिया में कभी ना कभी किसी ना किसी हालत में इंसान को हारना ही पड़ता है। मेरा गेम आज तक फेल नहीं हुआ है सेठ। तू समझा नहीं, जब पिताजी इस धंधे में थे तो रॉयल पाम कुमार ने एक गाड़ी खरीदा, जब ड्यू मांगने गया तो उसने मारा, फिर गुस्से में आकर मेरे पिताजी ने बीच रोड पर उसका कॉलर पकड़ लिया। बदले में कुमार ने मेरे पिताजी को खींच कर थप्पड़ मारा। पिताजी उस अपमान को सह नहीं पाए और उस सदमे से वो इस दुनिया से चल बसे। इसका मतलब हारना ही हुआ ना? मैं तेरे साथ होता तो ऐसा नहीं होता। तुम होते तो भी कुछ नहीं होता। मैं उसकी गाड़ी उठाऊं क्या? ये तेरे से नहीं होगा। तो खाली बोल सेठ, गाड़ी उठाऊं क्या? अरे बाबा ना। क्या मैं वो गाड़ी उठाऊं? स्केच तेरे को चढ़ गई है, जा तू बाड़ी जा। सेठ ये मत सोच मैं गिटली में हूं। बोल गाड़ी उठाऊं? बोला हाँ कि ना? गाड़ी उठाऊं क्या? चल बोल। तू बहुत जिद्दी है स्केच। ठीक है, गाड़ी उठाकर तुझे ड्यू लेने की कोई जरूरत नहीं है। गाड़ी उठाकर सिर्फ एक सेल्फी लेकर भेज देना और सेठ तुझे 2 तोला सोने का हार देगा, मगर ये काम उतना आसान नहीं है। तू पीला तैयार रख सेठ, गाड़ी मैं उठा के लाता हूं। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक आज कुमार ड्रग्स डिलीवर करने वाला है। डिलीवरी का डेस्टिनेशन नहीं पता, ताड़ा का मच्छी मार्केट, उसका घर, फूल मार्केट, मॉल या फिर सर वो आइस फैक्ट्री। यस आइस फैक्ट्री। बीच सड़क पर हम गाड़ी नहीं उठा सकते, पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी गैस पर चलती है, पंक्चर नहीं कर सकते क्योंकि ट्यूबलेस टायर है, गाड़ी की चाबी सिर्फ कुमार के पास रही। समझ गया ना? उसमें एक छोटा सा रिमोट सेंसर है, अगर गाड़ी के बाजू में भी कोई जाता है या उसे छूता भी है। देख तो गाड़ी के पास कौन है। एक बार उसकी बीवी को टच करेगा तो चलेगा, लेकिन गाड़ी को नहीं। तो ऐसे में अपन उसकी गाड़ी को उठाएंगे कैसे? ये काम हलवा नहीं है बेटा, अगर हलवा होता तो सेठ 2 तोले का भपका नहीं देता। ACP ड्रग्स की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए एक खबरी को कुक बनाकर कुमार के घर भेजता है। कुमार के पास हमारा एक खबरी रहेगा। कुमार को इस बात की भनक पहले ही लग जाती है। खबरी के द्वारा वो पुलिस को गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचवाता है। असल में ड्रग्स उस हॉस्पिटल में छुपाए गए होते हैं जहां MLA एडमिट होता है, और उन ड्रग्स की डिलीवरी एक वाइन शॉप पे होने वाली थी। पुलिस खबरी के बताए हुए 5 जगहों की ओर जाने वाले रास्तों पर नाकाबंदी करके गाड़ियों की चेकिंग करती है। स्केच अपने बॉस के कहने पे कुमार की लकी कार्ड चुराने का प्लान बनाता है, जो इत्तेफाक से उसी दिन होता है जब ड्रग्स डिलीवर होने वाली होती है। ये क्यों फोन कर रहा है? फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? हाँ मैं बाद में फोन करता हूँ। तो बताओ स्मगलिंग करने कौन जा रहा है? अपन। क्या बात कर रहा है? तभी तो तुझे हॉस्पिटल में लेकर आया हूँ। 1 हफ्ता पहले ड्रग्स इस हॉस्पिटल में आ चुका है। कुछ देर पहले हॉस्पिटल में रखा ड्रग्स मैंने अपनी कार में रख दिया। ACP ने अपने खबरियों को रखकर मेरा काम आसान कर दिया। मैंने उसको ऐसा झांसा दिया कि उसको यकीन हो गया कि उन 5 जगहों से ही ड्रग्स निकलने वाला है।
हॉस्पिटल ही सही जगह है। क्या? उधर से हम कुमार की गाड़ी उठा सकते हैं। चूरन की उधर पहचान है। हॉस्पिटल में टाइट सिक्योरिटी रहेंगी तो क्या करेंगे? मैं अब ड्रग्स को पुरानी जगह पे नहीं उतारूंगा, वाइन शॉप पे उतारूंगा। उसकी नाक के नीचे से हम लोग गाड़ी लेके जाएंगे। अपन ने सारे पत्ते बिछा दिए, बस शो बोलना बाकी है। अच्छा ये देख पिलान, अगर वो जामली मोहल्ले से आएगा तो मेन रोड लेना पड़ेगा, मगर वहां से हम लोग गाड़ी नहीं उठा सकते, इसलिए हम लोग ये पतली गली से एंट्री मारेंगे। उसकी गाड़ी को कैसा भी करके मेन रोड से पतली गली में लाना पड़ेगा। फिर अपने वो मेन रोड को ब्लॉक करना है और वहां से तुम लोग का काम स्टार्ट। किस्मत, गाड़ी लेकर आ जल्दी, चल गो गो गो। पतली गली में गाड़ी को यू टर्न नहीं मार सकते, इसलिए उसको आगे जाना पड़ेगा, मगर कुमार पीछे नहीं आ सकता क्योंकि गोली और मैं उसको फॉलो कर रहे हैं इस गाड़ी से। फिर वाटला, तू मुर्गी मोहल्ले से खप करके ऐसे घुस जाना और उसके रास्ते का रोड़ा बन जाना, और ऐसा लगना चाहिए कि तू एकदम लगम में बाव। पीछे से मैं उसको ब्लॉक कर डालू। अबे गाड़ी पीछे ले। क्या बंटा है, किसके साथ लगा हुआ है? अंधा है क्या? आगे गाड़ी है। लगता दारू पी के सो गया। तेरी गाड़ी हटा। लगता है फुल लगेली में। दो मिनट ना हटा। क्या कर रहा है बे? वली में जाना, खाना खत्म हो जाएगा। जल्दी कर बेवड़े। मूव मैन, एक तो ड्रिंक एंड ड्राइव करता, ऊपर से रास्ता रोकता है। अरे जल्दी कर, हटा ना, हटा ना। इडियट, बेवड़ा पागल। ए, रुक रहे। हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? ए, अपना काम कर। मैकेनिक हूँ सर, इसको अच्छे से ठीक कर दूंगा, आ जाओ बाहर।